सो हेलो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा। तो भाई आज मैं आपको बहुत ही सुंदर एक जगह पर लेकर आया हूँ। अगर आप बर्ड्स के दीवाने हो, नेचर के दीवाने हो कि आपका मन होता है कि भाई शांति में जाएं, दिल्ली नोएडा गुड़गांव इसकी चिकचिक बाजी शोर शराबा ट्रैफिक से दूर एक शांति में आए, तो ऐसी एक जगह मैं आज आपको लेकर आया हूँ जिस जगह का नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, या आप इसको कह सकते हैं सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर क्या है, सर्दी के टाइम में यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इस समय में आते हैं माइग्रेटिंग बर्ड्स जो कि अलग अलग कंट्री से आते हैं। लगभग यहाँ पर 90 के आसपास स्पीसीज बर्ड्स की यहाँ पर आती हैं हर साल और बहुत ही प्यारा इस पार्क को बना देती है। बहुत ही शांति होती है यहाँ पर, नेचर में आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं, बहुत दिल खुश हो जाएगा आपके अगर आप यहाँ पे आओगे तो। तो हम भी अपना दिल खुश करने के लिए आए हैं तो घूमेंगे यहाँ पर सारे में। उससे पहले यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे देते हैं कि भाई यहाँ की टिकट क्या है, कैसे आपको यहाँ पहुँचना है, ठीक है, यहाँ की लोकेशन क्या है, टाइमिंग क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन। तो करते ब्लॉग को शुरू। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की लोकेशन बता देता हूँ। यहाँ पर की अगर लोकेशन की बात करें तो भाई गुड़गांव के अंदर है सुल्तानपुर और ये आप रोड देख रहे हो, ये है फारूक नगर रोड। और अगर बस की बात करें तो झज्जर यहाँ से सीधा है इस साइड जहाँ पे झज्जर है, तो ये रास्ता झज्जर जा रहा है, झज्जर जाने वाली बस यहाँ पर से निकलती है, तो उसके थ्रू भी आप आ सकते हो यहाँ पर। भाई यहाँ से मैं आपको यहाँ का टिकट प्राइस ही बता देता हूँ, बहुत सस्ता टिकट है। देखो यहाँ लिखा हुआ है एंट्री फी, तो यहाँ पे एडल्ट के होने वाले हैं 5 रुपये और चिल्ड्रन के 5 से 12 साल के बीच की जिनकी उम्र है 2 रुपये होने वाले, सिर्फ 2 रुपये। और फॉरन जो इंडिया के बाहर से आ रहे हैं उनको 40 रुपये। बाकी यहाँ पे पार्किंग चार्ज भी लिखा हुआ है, कार या जीप के 10 रुपये होने वाले, स्कूटी बाइसिकल के यानी बाइक के 5 रुपये होने वाले हैं, ठीक है। बाकी नीचे और लिखा हुआ है, बाकी आपका क्या कैमरा है तो छोटे कैमरे के 25, बड़े कैमरे के 50 रुपये होने वाले हैं। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई सुबह 7 बजे ओपन हो जाता है और 4:30 बजे तक ये ऑन रहता है, उसके बाद आपको बाहर निकलना होगा। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि भाई सूरज ढलने से पहले बाहर आना है आपको। और ये कुछ यहाँ का एंट्री गेट है, पीछे से सूरज की रोशनी आ रही है तो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। और आप बर्ड्स को क्लियरली देखना चाहते हैं तो आपको दूरबीन ले जाना जरूरी है, क्योंकि बर्ड्स सारे दूर दूर होते हैं। तो दूरबीन का जो चार्ज है वो है 200 रुपये। और आप चाहो तो बाहर से अमरूद भी लेकर जा सकते हो, आप घूमोगे घूमते घूमते अमरूद खाओगे तो आपकी जो यहाँ पे यात्रा है वो उसमें 4 चांद लग जाएंगे, आपको मज़ा आएगा। हमने भी ऐसा ही करा था। अंदर एंटर होते ये कुछ हमें फर्स्ट लुक दिखाई दे रहा है, काफ़ी प्यारा लुक है, दो साइड में फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे। अंदर चलते हैं और जितना भी अच्छा अच्छा व्यू आएगा ना सब आपको दिखाने वाले हैं। अच्छा देखो स्कूल से बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पर, देखो काफ़ी बर्ड्स हमें अंदर मिलने वाले हैं, बोर्ड लगाए हुए हैं उससे पता लग रहा है, मैं देख सकते हैं यहाँ पे 4 और बोर्ड लगे हुए हैं इस तरीके से। बट वही है, दूर दूर होते हैं ना सारे बर्ड्स, तो उसके लिए आपको दूरबीन वगैरह लेनी होगी। सामने एक मैप भी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है भाई कहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलने वाला है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन का मतलब क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ देखो रामसर बाउंड्री, ठीक है। इस तरीके से आप मैप को भी रीड कर सकते हैं जाने से पहले। यहाँ पर आप सामने एक बोर्ड देख रहे हो ना, यहाँ पे माइग्रेटिंग बर्ड्स के बारे में बताया हुआ है कि भाई ये जो विंटर का टाइम होता है ना, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो इस टाइम पे हम माइग्रेटिंग बर्ड्स आते हैं। तो कुछ यहाँ पे बताया हुआ कि ये बर्ड्स भी यहाँ पर आते हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि भाई कैसे ये होते हैं बर्ड्स, इनकी टेल कैसी होती है, इनका लुक कैसा होता है, इनका कलर कैसा होता है, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक बर्ड है यहाँ पर और ये एक बर्ड है, ये नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने, मायला बुहर भाईकर, तो ये नाम है। और यहाँ पर ठिटारी पुनाना टोकरावा, हमने अभी वहाँ से एंट्री ली है और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेंटर है और यहीं पर ही हमें वो दिखाई दे रहा है वॉच टावर है उस साइड, तो वहीं चल रहे हैं हम। पहले देखते हैं वॉच टावर के ऊपर चल के देखते हैं कि भाई कैसा व्यू दिखाई देने वाला है। सारे में इस तरीके से बोर्ड लगाए हुए हैं कि भाई कौन कौन से माइग्रेटिंग बर्ड्स आते हैं, तो इसका नाम है छोटी मुर्गा भी और नीचे वाली का नाम है चेता कीरा। बाकी काफ़ी लोग आए हुए हैं आज घूमने के लिए, आज सैटरडे है। सामने भाई एक और बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर माइग्रेटिंग बर्ड के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो ऐसे ही आपको मतलब सारे में बोर्ड मिलेंगे कि भाई कौन कौन से माइग्रेटिंग बर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इनको आप देखिए और फिर आपको लेनी पड़ेगी दूरबीन, तो उसी का यूज़ करके आपको बर्ड दिखेंगे, क्योंकि देखो कहाँ आप पहचानोगे कहाँ पर कौन बर्ड है, तो दूरबीन का यूज़ करके ही आप देख सकते हो। और ये देखो वॉच टावर है यहाँ पर, काफ़ी ऊँचा है भाई वॉच टावर, देखो कितने यहाँ पे फ्लोर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, काफ़ी ऊँचा जा रहा है, इतना ऊंचा पहली बार देख रहा हूँ वॉच टावर में। तो चलते हैं ओखला बर्ड सेंचुरी में ना, इतना ऊंचा होगा लगभग, मतलब ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट के थोड़ा सा ऊपर। तो ओखला बर्ड सेंचुरी का भी आप हमारा व्लॉग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी इसमें चलते हैं अभी हम ऊपर, तो भाई ऊपर चलो, काफ़ी ऊंचा है ये वाला ना भाई, 3-4 फ्लोर है, 3-4 फ्लोर है। चलो चलो आओ देखते हैं ऊपर से कैसा व्यू होने वाला है।
और भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये भी है कि भाई खाना अलाउड है कि नहीं है। तो भाई अलाउड है खाना, यहाँ पर आप लेकर आ सकते हो खाना, और यहीं बाहर आपको अमरूद मिल जाएंगे जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अभी अमरूद बाहर मिलेंगे ना वो लेकर आना, और कहीं यहाँ पे अच्छा सा प्लेस देख के ताज़ी ताज़ी अमरूद खाओ, मज़ा आएगा। तो हम भी खाएंगे, हम भी लेकर आए अमरूद। तो भाई जीतू भाई तो पहुँच गया भाई, कैसा नज़ारा ऊपर का, अल्टीमेट लग रहा है। चलो भाई चलते देखते जल्दी। ओ भाई साहब क्या नज़ारा है, यहाँ तो पूरा दूर दूर तक पानी ही पानी है। यहाँ पर तो दलदल है, ये क्या है, ये झील है दलदल है, समझ नहीं आ रहा। देखो पूरा जंगल है चारों ओर, जंगल ही जंगल, क्या नज़ारा है, वाओ तो कितना ज़्यादा मस्त नज़ारा है भाई साहब। पूरे में यहाँ पे लेक दिखाई दे रही है हमें, ये सुल्तानपुर की लेक जो है। और भाई थोड़ा जूम करके दिखाऊं, वैसे तो भाई क्वालिटी इतनी है नहीं है, बट फिर भी दिखाता हूँ मैं जूम करके थोड़ा। यहाँ देखो आपको लेक के पास ना बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, कितने सारे बर्ड्स हैं, ऐसे लग रहे हैं ऊपर से जैसे चींटियाँ बहुत सारी, और बहुत सारी वहाँ से आवाज़ आ रही है, पता नहीं डक की है या किसकी है, क्वैक क्वैक ऐसी आवाज़ें आ रही है हमको साइड से, बहुत बर्ड्स हैं। देखो यहाँ भी काफ़ी बर्ड्स आ रही है, देखो भाई साहब के अल्टीमेट नज़ारा है सच में भाई, मज़ा आ रहा है, कितने सारे बर्ड्स हैं यहाँ पर। तो भाई इसी सीज़न में आपको बर्ड्स मिलेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो ये विंटर का टाइम होता है ना, माइग्रेटिंग बर्ड इसी टाइम आते हैं यहाँ पर। तो भाई वॉच टावर के बाद हम चल रहे हैं इस साइड यहाँ पर, तो चल के देखते हैं आगे क्या क्या हमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो अभी तक तो हमें कुछ बर्ड दिखाई दिए और वो हमने आपको दिखा दिए, तो यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा है, तो पूरा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहाँ पीछे वो लेक है जो सुल्तानपुर की लेक है, कृपया शोर ना मचाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है वो इसलिए क्योंकि भाई एनिमल्स को प्रॉब्लम ना हो, सॉरी बर्ड्स को प्रॉब्लम ना हो। देखो भाई एक बार यहाँ के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये पूरा फैला हुआ है 352 एकड़ में फैला हुआ है ये, और देखो यहाँ पे जो आपको टोटल लेंथ ऑफ नेचुरल ट्रेल मिलेगा, नेचर ट्रेल मिलेगा, वो 3.5 किलोमीटर, मतलब इतना आपको वॉक करना होगा। ये देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है ऑरेंज लाइन है ना पूरा, ये पूरा वॉक करके आपको जाना होगा। बाकी जो लेक है वो 150 एकड़ में फैली हुई है, ये जो सुल्तानपुर की लेक है, तो ये पूरा हमें कवर करके जाना है 3.5 किलोमीटर, पूरा राउंड करते करते आएंगे। ये देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने कलर के थ्रू बताया हुआ है कौन सी चीज़ कहाँ पर है क्या है। सो जी तो भाई एक्साइटेड हो 3 किलोमीटर चलने के लिए? हाँ भाई एक्साइटेड हो, बाकी पीछे है पैरों में दम है इतना? हाँ भाई यार भाई कैसी बातें कर रहे हो, रोज भी 20 किलोमीटर चल लेते हैं, कोई बड़ी अच्छा जी 20 किलोमीटर। हाँ हाँ चलो देखते भाई, अभी देखो इनके फेस पे स्माइल है, एंड में देखेंगे क्या होता है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो चलते हैं। सो गाइस आप ये सामने देख रहे हो ना, यहाँ पे ई कार आ रही है, तो ई कार भी आप बुक कर सकते हैं, इसके 700 रुपये होने वाले, जिसमें 7 लोग बैठेंगे और ये आपको पूरा घुमाएंगे। तो ये पास आ रही है अभी दिखाएंगे आपको, ये देखो आ रही है ना, तो 700 रुपये में पूरा आप इसमें घूम सकते हो, 7 लोग पूरे बैठ सकते हैं, बुक होते हैं ये गेट पर ही आपको बुकिंग हो जाएगी पूरी। बाकी लोग काफ़ी आए हुए हैं क्योंकि यही टाइम होता है जब यहाँ पे माइग्रेटिंग बर्ड आते हैं, तो इसलिए लोग यहाँ काफ़ी आए हुए हैं। देखो आप देख सकते हैं सामने, अगर आप नॉर्मल गर्मियों के दिन में आओगे तब तो एक नहीं मिलने वाला, एक पर्सन आपको नहीं मिलेगा, बट इस टाइम में काफ़ी मिलेंगे आपको, जैसा कि हमें भी मिल रहे हैं। लगभग 90 यहाँ पर स्पीसीज बर्ड्स की आती है, माइग्रेटिंग बर्ड्स की हर साल, और वो आपको मतलब थोड़ी बहुत दिखाई देंगी, 4-5 ही दिखाई देंगी जैसे हमें दिख रही थी ऊपर से वॉच टावर से। अगर आप इनको सही से देखना चाहते हो तो आपको भाई टेलीस्कोप लेना ही पड़ेगा, दूरबीन, तो बहुत सारी यहाँ पे स्पीसीज आती है, तो देखते हैं क्या क्या हमें दिखने वाला है। देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ पर, और ये देखो सामने बर्ड, ये देखो कितनी दूर है, मतलब ज़्यादा दूर है नहीं है बट दिखेगा नहीं नॉर्मली। और भाई मतलब आप दीवाने हो माइग्रेटिंग बर्ड देखने के, तो आप हमारे उखलावड़ वाली वीडियो देख सकते हो, ओखलावड़ में भी काफ़ी माइग्रेटिंग बर्ड्स आते हैं, वहाँ भी होते हैं जैसे यहाँ पर है ना, वहाँ भी होते हैं। उसी के अलावा भाई दिल्ली के अंदर यमुना का घाट है, यमुना घाट बोलते हैं जहाँ पर इसको, तो वहाँ पर भी मतलब काफ़ी माइग्रेटिंग बर्ड आते हैं, जो कि आते हैं साइबेरियन से आते हैं, साइबेरिया से मतलब वो पंछी आते हैं, बहुत सारे होते हैं। वो वीडियो भी आप हमारी देख सकते हो, बहुत प्यारी वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो देख सकते हैं। चारों ओर उस तरीके से बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पर, वो देखो वहाँ टहनियों में बैठा हुआ एक बर्ड, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखो ये रहा एक बर्ड, तो ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं छपक छपक के। वही यहाँ से हमारा रूट चेंज हो रहा है, टर्न हो गया। तो भाई और कुछ बर्ड्स हमें दिखाई दिए यहाँ पर, वही ये सारे दूर दूर हैं, देखो वो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो, और यहाँ पे ये देखो, लगभग 15 मिनट चलने के बाद हमें फिर से एक वॉच टावर दिखाई दिया, और यहाँ पे देखो सिटिंग अरेंजमेंट भी है। तो भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, पैरों में दर्द हो गया। A few minutes later, काफी आए हुए हैं लोग, जितने भाई आए हैं लोग काफी लोग आए हुए हैं, वही है मतलब विंटर माइग्रेटिंग बर्ड भी काफी लोग देखना चाहते हैं ना। बाकी गोबर वगैरह पड़ा है, नील गाय वगैरह भी होती है, वैसे बकरी का गोबर था ये, है ना, इतने नॉलेज नहीं है किसका गोबर था, गोबर था इतना पता है बस, रिसर्च करनी पड़ेगी जानने के लिए किसका गोबर है। भाई साहब ये मस्त लग रहा है, आकर लुक है नी, मोर 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 मोर, देखो मोर जा रहा है पीछे, वो रहा झाड़ी में घुस गया पीछे, दिखाई नहीं पाया कैमरे में।
पर भाई आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे जंगल लग रहा है, मतलब पूरी नेचुरल फीलिंग आ रही है, मतलब लग ही नहीं रहा कि हम दिल्ली के साइड में हैं, गुड़गांव में हैं, लग रहा है पता नहीं कहाँ जंगल में हम आ गए। यहाँ देखो पूरे में जंगल है, यहाँ पूरे में लेक है, दिल खुश हो रहा है ना जतिन भाई? हाँ भाई दिल खुश हो रहा है भाई पूरा। बाकी यहाँ बीच में ट्रैक है नेचुरल ट्रेल, तो यहाँ से हम चल के जा रहे हैं, बस वही है थोड़ा चलने में दिक्कत है, चलते चलते हालत ख़राब हो जाएगी, बाकी इन्जॉय तो फुल होने वाला है क्योंकि नेचुरल लवर है भाई हम भी। ये देखो वहाँ पे सामने वो बैठा हुआ है, ये एक बर्ड, ये देखो वाइट कलर में आप देख रहे होगे, बाकी वहाँ ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ वो आप देख रहे हो ऊपर, वहाँ पे काफ़ी दूर है, इनके लिए भी टेलीस्कोप होना बहुत ज़रूरी है। भाई हम 8000 कदम चल के आ चुके हैं और यहाँ पर हमें एक टर्न दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये सामने है ना, इनसे ही पूछ लेते हैं आप यहीं के हो क्या? नहीं मैं भी आपकी तरह यहाँ पे। अच्छा अच्छा घूमने आए हो आप भी? आया हूँ और मैं जस्ट अभी यहाँ से होके आया हूँ, अंदर तकरीबन ये 500 कदम अंदर चलते हैं, तो अंदर खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ टर्न लेके हम चारों तरफ पक्षियों को निहार सकते हैं। अच्छा मतलब ये लेक के अंदर तक का व्यू लेने के लिए बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा, और वहाँ पे जाकर हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में मतलब कैसा व्यू आता है। अच्छा मतलब ये रास्ता आगे जा रहा है और लेक के चारों ओर ये रास्ता घूम रहा है, ये टोटल आगे 3.5 किलोमीटर का रनअप के लिए आगे जा रहा है, मगर बीच में आप अगर आप अंदर लेक की तरफ जाना चाहो तो जा सकते हो, उसके लिए ये वाला रास्ता है। अच्छा जी थैंक यू जी। इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे हमें नज़ारे मिलने वाले हैं, काफ़ी अच्छा लगने वाला है हमें, तो हम इसी साइड चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं भाई कैसा है यहाँ का व्यू। तो भाई लग रहा है सही में अच्छा, देखो दोनों साइड यहाँ पर अब लेक है और हम बीच में चल रहे हैं लेक के बिल्कुल, देखो वहाँ दूर दूर सारे में बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं हमें, और यहाँ भी दोनों साइड में बर्ड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, वाओ कितने सारे बर्ड्स हैं, ये देखो कितने सारे बर्ड्स हैं यहाँ पर, साफ देख सकते हैं हम यहाँ पर, वाओ बहुत प्यारा नज़ारा है। और देखो मैं शांत होता हूँ आपको बर्ड्स की आवाज़ भी आएगी। बाकी भाई देखो आप यहाँ फोटो भी ले सकते हो, सामने एग्जांपल देख रहे हो वो वहाँ पे फोटो ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो ऐसा फोटो, पीछे बैकग्राउंड रखो नेचर का, नेचुरल ब्यूटी, ब्यूटी क्या ब्यूटी, हाँ ब्यूटी। ये देखो भाई यहाँ का जो नज़ारा है क्या ही बोलूँ भाई, इतना प्यारा नज़ारा लग रहा है, मतलब यहाँ बैठ जाओ अपना और बैठ के सामने का नज़ारा देखते रहो, या फिर मान लो आपको यहाँ नहीं बैठना था वहाँ बैठ सकते हो, अब जाके हट बनाई हुई है वो भी दिखाऊंगा अभी चल के, पहले यहाँ का नज़ारा देखो कितना प्यारा नज़ारा है, कितना प्यारा। और इवनिंग में तो मतलब 4:30 बजे के आसपास यहाँ पर और भी प्यारा नज़ारा हो जाने वाला है क्योंकि सनसेट होगा यहाँ पर। तो भाई वहाँ भी मेरे को बर्ड दिखाई दिया, ये देखो भाई साहब क्या बर्ड है, ये थोड़े ब्लर हो जा रहा है, ये देखो है ना कितना मस्त, काफ़ी बड़ा है ये, मतलब ये इसकी हाइट कितनी होगी, 2 फुट के आसपास लग रही है मेरे को इसकी हाइट, बहुत ऊंचा लग रहा है, ये वीडियो में उतना नहीं पता लग रहा, बहुत ऊंचा पंछी है। यहाँ भी सारे में देखो कितने सारे बैठे हुए, ये वहाँ देखो पूरा पेड़ भरा हुआ है बर्ड्स से, ये सारे माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं, ये देखो सारे लोग इनके वीडियो बनाने में लगे हुए हैं भाई, फ़ोन को रख के थोड़ा सा इन्जॉय करो, देखो बर्ड्स को आँखों से अपनी, वीडियो में क्या देखना, वीडियो बना के बाद में देखेंगे फिर। तो भाई मैं तो आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे बोलने लग जाओ। सामने एक बहुत प्यारी सी हट आ चुकी है, कैसा भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। हाँ, फुल मजा, फुल मजा बिल्कुल लग रहा है ना, नेचर में आ गए हम। ये देखो किस तरीके से बनाया हुआ है, पत्तों से बनाया हुआ है इसको, तो बाहर से दिखाते हैं नज़ारा, अंदर बैठ सकते हैं आप यहाँ पे, फोटो ले रहे हो भाई? फोटो तो लेने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी ये ब्लर हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ना वो है मतलब फॉग काफ़ी है। ये देखो ये देखो ये देखो उड़ते उड़ते जा रहे, वाह देखिए दोस्तों पक्षी देख सकते हैं, काफ़ी सारे प्रवासी पक्षी देखने को मिले। ये देखो भाई यहाँ पर कुछ इस तरीके से पत्थर भी पड़े हुए हैं जिसके ऊपर आप बैठ के व्यू देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे बैठ के आराम से व्यू देख सकते हो आप, भाई इसका ध्यान रखना, यहाँ पर ये निकला हुआ है ना इसका ध्यान रखना, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा, चारों ओर बर्ड्स ही बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं हमें, ये देखो सामने भी वहाँ पर बाकी लोग भी हैं काफ़ी। को वहाँ पे दूर आप देख सकते हैं कि नीलगाय भी आपको दिखाई देगी जो कि घास खा रही है पानी के अंदर घुस के। तो भी जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ना इसके अभी हम सबसे बढ़िया पॉइंट पे आए हूँ, यहाँ का जो पीछे का बैकग्राउंड है चारों ओर का बैकग्राउंड है बहुत ही प्यारा है, चारों ओर यहाँ पे बर्ड्स है ना जीतू भाई? हाँ भाई बिल्कुल, अभी आप देखो दोस्तों पीछे वीडियो में देख पा रहे होंगे पीछे आसमान में पक्षी जा रहे हैं, देखिए दोस्तों। हाँ ये देखो सारे, वाह वाह नजारा है, देखिए दोस्तों क्या नजारा है, ये मतलब ऐसे जा रहे हैं वी का कुछ शेप बना गया ना। हाँ हाँ, तो भाई बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब अगर आपको नेचर पसंद है तो भाई आओ यहाँ पे।
तो ये आप देख सकते हैं बर्ड वहाँ बैठा हुआ है एक चट्टान के ऊपर, पता नहीं कर क्या रहा है बैठ के वहाँ पे, देखो कैसे बैठा है। सो गाइस हम लगभग ना 3 किलोमीटर चल चुके हैं, पूरा हम पूरा एंड तक गए, इतना खास हमें कुछ दिखा नहीं वहाँ पर, जैसा हमने दिखाया था ना बर्ड्स वगैरह वही पूरे में थे, तो हमने वो सब कुछ कैप्चर करा नहीं, वीडियो बढ़ाने वाली बात हो जाती बस, क्या वीडियो बढ़ा रहे हैं बढ़ाते चले आ रहे हैं वो बात हो जाती, तो दिखाया नहीं ज़्यादा कुछ, पूरा घूम के आ गए। और भाई एक हमारी सजेशन रहेगी, अगर आप बर्ड्स को देखना चाहते हो या आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो शांति चाहते हो तो यहाँ के कंपैरिजन में आप ओखला बर्ड सेंचुरी जाओ, बहुत बढ़िया है, इससे अच्छा है ये भी, बट इससे ज़्यादा बढ़िया वो है, जो जो अच्छा था यहाँ पे हमने आपको दिखाया, जो जो बुरा है वो भी आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही कम है, ना के बराबर है, तो यही है बस। तो ओखला बर्ड सेंचुरी चले आना बेटर है इससे, बाकी हम अमरूद लेकर आए थे बाहर से ही, वो हमने आपको बताया था ना, तो अमरूद आप लेके आ सकते हो बाहर से और खा सकते हो बैठ के, कुछ इस तरीके का यहाँ पे बना हुआ है ये देखो, तो यही हम बैठ के अभी खा रहे हैं, देखते हैं और क्या है। सर हमें काफ़ी गाय भी मिली है यहाँ पर, देखो गाय भी है यहाँ पर, एक ये रही एक वो रही, वैसे तो गाय दिखती रहती है बट मैं बता रहा हूँ आपको कि अंदर यहाँ पे गाय भी है, यहाँ पे पता नहीं झाड़ियों में है कुछ खा पी रही है घास वगैरह। तो गाइस पूरा सुल्तानपुर नेशनल पार्क में घूम के आ चुका हूँ मैं, नहीं मतलब हम, जीतू भाई भी थे साथ में तो हम पूरा नेशनल पार्क घूम के आ चुके हैं, काफ़ी बढ़िया में लगा, बेकार भी लगा क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बड़ा है, हालत ख़राब हो गई। पानी जरूर साथ में लेकर आना, ये मत सोचना कि सर्दी का टाइम है प्यास कैसे लगती है, प्यास लगेगी क्योंकि बहुत बड़ा है ये, और बर्ड्स भी यहाँ पर दिखेंगे बट टेलीस्कोप दूरबीन ले लेना आप, 200 रुपये आपका उसका चार्ज होने वाला है, ले लेना तभी बर्ड देख पाओगे, वरना दूर दूर सारे बर्ड्स आपके होने वाले हैं। तो ठीक था, और काफ़ी बड़ा था, सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा कम है, खाना वगैरह अलाउड है तो ये अच्छी बात है, तो खाना भी लेकर आ सकते हो। तो इतना ही रखते हैं इस ब्लॉग के अंदर, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, ओखला बर्ड सेंचुरी की वीडियो भी देख सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यमुना घाट की वीडियो देख सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ध्यान रखें आपसे अपना, जय हिंद वंदे मातरम।